नमस्ते दोस्तों, फूड फॉर टेस्ट बच्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन चटनी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 5 से 6 करी पत्तियाँ, 2 मीडियम साइज प्याज मोटा सा कटा हुआ, 1 बड़ा सा लहसुन, छोटा सा टुकड़ा इमली, 5 से 6 लाल मिर्च, 2 टमाटर बड़ा सा कटा हुआ और नमक स्वादानुसार। अभी हम इस मिक्सर जार में लेंगे लाल मिर्च, लहसुन, इमली, प्याज, टमाटर, नमक और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए चटनी कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 कढ़ाई में 6 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई और राई टूटने तक वेट करेंगे। देखिए अब राई टूटने लगा है, सो हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे ऑलरेडी ग्राइंड किया हुआ ऑनियन टमाटो का पेस्ट। इस ऑनियन टमाटो पेस्ट को तेल के साथ अच्छे से मिक्स करें और इसे 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट के बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि तेल साइड्स में छूट चुका है, तो इसका मतलब है कि चटनी पक चुका है। चटनी तैयार है और इसे डोसा या इडली के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।